नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के चैनल यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, खुश होंगे। स्वागत है अपने सभी साथियों का आज के इस विशेष सेशन में, जिसमें हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं आज का द हिंदू। और आज के द हिंदू के साथ साथ हम लोग आपके साथ में कल की भी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम लोग फिर कल जो सैटरडे का हमारा एज पर प्रॉमिस था सेशन, वो भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। जो जरूरी न्यूज हैं जो कल से हैं, वो भी आपके साथ में आज डिस्कस कर ली जाएंगी, ठीक है ना। तो जल्दी से अपने सेशन को शेयर कर दीजिए, और आप सभी लोगों को ये वाला जो सेशन है जिसे हम अभी देख रहे हैं, ये साधारणतया सोमवार से लेकर के रविवार तक हर दिन प्राप्त होता है। बस फर्क ये है कि हम शनिवार वाले दिन की छुट्टी लेते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में टाइमिंग भी दोपहर 12 बजे का है, और 12 बजे के बाद में आप लोगों को यह सेशन, मतलब बाद में तो दिखाई दे ही जाता है। तो चलिए इसी क्रम के साथ में शुरू करते हैं। आज का दिन मालूम है आपको बहुत खास होता है। रीजन ये है क्योंकि आपके पास में क्लास लेने के लिए और क्लास रिवाइज करने के लिए बेहतरीन दिवस होता है, और वो होता है संडे का। भाई की अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके क्लास एक्सेस कर लीजिए। कौन सी क्लासेस? आप हमारे साथ में फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी वाला, एसएससी वाला, दोनों ही जगह 10% का डिस्काउंट के साथ आपको हमारी क्लास प्राप्त हो जाती है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, पुरानी क्लासेस को भी आप प्राप्त करते रहिए, बाकी चर्चा हम अंत में कर लेंगे। आज का दिन शाम को ना आपको एक क्लास पढ़नी है और इनाम जीतना है ना। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास रखी है इवनिंग में, अगस्त 2 से लेकर के 14 अगस्त तक, जो अन अकेडमी पर हम स्पेशल क्लास पढ़ा रखे थे ना, उसमें से ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल याद कर लीजिएगा। मीनिंग समझ रहे हैं? जैसे कि ना कि भाई हम द हिंदू पढ़ाए थे आप लोगों को अगस्त 2 से अगस्त 14 तक, उसका टेस्ट लिया जाएगा इवनिंग में 6 बजे, और सही से तैयार करके आना। वैसा ज्यादा टफ वाला सवाल नहीं बनाएंगे इस जगह, बट इंफॉर्मेटिव टाइप का सवाल बनाया जाएगा। उसमें से ना जो टॉप 3 विनर होगा, उसको हम लोग यहाँ पर आज पुरस्कृत भी करेंगे, यानी कि उसको अन अकेडमी की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट वाउचर सेंड किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 3 विद्यार्थी जो आज हमारी क्लास में टॉप 3 में रहने वाले होंगे, इवनिंग में है ये वाली क्लास। और कैसे प्राप्त करनी है ये क्लास हम बता दें आपको, टेस्ट है ये। इस टेस्ट में आपसे सवाल कहां से पूछा जाएगा, फिर से मैं बता दूं, 2 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का जो द हिंदू है, वहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा। 3 विनर इसमें बनाए जाएंगे, और उन विनर्स को हमारे द्वारा यानी अन अकेडमी के द्वारा अपनी तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। पहुंचना कैसे है इस क्लास के लिए? तो बेटा अपने मोबाइल में ना अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से जाकर के आप लोग जो है, जब स्टोर कर लीजिएगा तो वहां पर गोल में अन अकेडमी के अंदर यूपीएससी गोल दिखाई देगा, उस गोल को सेलेक्ट करिए और हमारी इस क्लास तक पहुंच जाइए, ठीक है। तो आपको ये क्लास भी दिखाई दे जाएगी इवनिंग में 6 o'clock है। प्रीवियस क्लासेस भी हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो बस उन्हें तैयार कर लीजिए आप शीघ्र ही, है ना। बाकी तो बातें ये हैं कि फाउंडेशन बैच हमारा एसएससी में भी चल रहा है, जहां वर्तमान में हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की सुर्खियां देखते हैं, क्या कुछ हुआ दुनियादारी के अंदर। नंबर पहली बात, पेरिस में इस्लाम से जुड़ा चित्र दिखाने वाले हिस्ट्री के टीचर की गला काट कर हत्या कर दी गई है। पैगंबर साहब की एक टीचर ने कुछ आपत्तिजनक फोटो दिखा दी थी, उस टीचर की गला काट कर हत्या हो गई है साहब। बड़ी मतलब दुखद चीज है जो आपको पता चल सकती है। स्माइल मेकर कह रहे हैं कि सर वहाँ चीटिंग भी तो हो सकती है। हाँ चलिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक विद्यार्थी है चौहान आतिश, वो कह रहे हैं सर मोटिवेशन धीरे धीरे पढ़ने का कम होता जा रहा है, परेशान हूं मैं, क्या करूं? बताएंगे बेटा, वो भी बताएंगे। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन का कहना है कि नो डील ब्रेग्जिट के लिए तैयार हो जाएं, मतलब ब्रेग्जिट के बदले हम निकले तो हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि भैया तुम हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहानी सुनाएंगे क्या है पूरी की पूरी बातें। इसके अलावा भारत में भुखमरी किस हद तक है, ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अच्छा है। 107 देशों की रैंकिंग आई है, उसमें इंडिया की रैंकिंग 94वें नंबर पर है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालत है देश के। तो हंगर इंडेक्स के अंदर भारत बहुत ही बुरी स्थिति में रहा। एमएसपी और सरकारी खरीद, जिसको लेकर के हाल ही में एग्रीकल्चर बिल को लेकर के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भैया बात ऐसी है कि
कि वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, और जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है यानी कि हम लोग जो खरीद करते हैं, वो महत्वपूर्ण हिस्सा है देश के अंदर फूड सेफ्टी के लिए। अदरवाइज ये पूरा कंसेप्ट सिखाएंगे। देखिए आज आपको एमएसपी क्या होती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन कैसे होता है, और फूड सिक्योरिटी कैसे देश में सुनिश्चित की जाती है, ये आज कंसेप्ट सीखिएगा। अच्छा अच्छा कंसेप्ट है ये, ठीक है ना। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, एक शोध के अनुसार 76% ग्रामीण भारतीय पौष्टिक आहार नहीं ले सकते। ये एक रिपोर्ट में पता चला है कि 76% लोग ऐसे हैं जिनके पास में पौष्टिक आहार नहीं है। और मैंने आज से एक काम और किया है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो न्यूज़ पढ़ाते हैं, जैसे कि वाईफाई स्टडी 2.0 पर आप रोजाना मेरे साथ में सोमवार से रविवार हर दिन क्लास पढ़ते हैं, वहां करंट पढ़ाता हूं मैं, कुछ न्यूज़ ऐसी होती है कि द हिंदू में भी वो आई होती हैं, रिपीट होती हैं, तो उनको भी हम यहां पर एज ए इंफॉर्मेटिव आपके साथ ऐड कर रहे हैं, आप ताकि रिवाइज करते रहें, ऐसा रहे कि हाँ भाई ये रिलेटेड है या फिर कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से, जिसमें ज्यादा डिटेल जानकारी की आवश्यकता नहीं है। इसराइल की जो संसद है ना, जिसे आप नेसेट के नाम से जानते हैं बच्चों, उसने हाल ही में इसराइल और यूएई के बीच में जो पैक्ट साझा किया गया था, इसराइल और यूएई के बीच में एक अकॉर्ड हुआ था, उसे मेरे प्यारे साथियों अपनी अनुमति दे दी है, यानी कि संसद ने परमिशन दे दी है, इसराइल की संसद ने मंजूरी दे दी है। किर्गिस्तान के पीएम ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल लिया है। तो आप याद करिए, पूरा इशू मैंने समझाया था आपको कि किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट ने पहले तो इमरजेंसी प्रक्लेम कर दी और खुद जो है वो गायब हो लिए। इसके बाद में अब उन्होंने, कल मैंने आपको पढ़ाया था जो अपनी मॉर्निंग वाली क्लास है, कि उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह कौन बैठा, तो साहब यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं। तो अब आपके बारे में जानकारी आपको एडिशनल थोड़ी सी बता देंगे इसके बारे में भी। और थाईलैंड के अंदर मैंने आपको बताई दिया, रिसेंटली थाईलैंड में भी इमरजेंसी लगी है, तो वहां पर भी विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी पहुंचना शुरू हो गया है, यानी कि थर्ड डे ऑफ प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो इन सब के बारे में अपन लोग सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो दो एडिटोरियल हैं, और उन दो एडिटोरियल में आज जो आपको मैंने कल परसों ही आपके द हिंदू में पढ़ाया था, अगर याद हो तो अपन ने कहा था कि गुपकार वार्ता हुई है, कहां पर, आपके कश्मीर में, जहां पर कि मतलब जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं वो सारे एकत्रित हुए थे फारूक अब्दुल्ला जी के घर पर। उस वार्ता को लेकर के एडिटर ने अपनी जो रिपोर्टिंग है वो कवर की है। और इसी के साथ में आईएमएफ ने जो हाल ही में कहा है कि दुनिया के देशों में मंदी जो है वो कैसे दूर की जाए, होप अमिड अनसर्टेनिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे, कि इसके बारे में आज का एडिटोरियल चर्चा करता है। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर, एक टीचर के गले रेतने से। भैया एक टीचर का गला रेत दिया गया, क्यों रेत दिया गया, क्या हुई कहानी, चलिए मैं बताता हूं। आरू साहू पूछ रहे हैं गिफ्ट में क्या मिलेगा। भैया बात ऐसी है कि पढ़ाई के साथ गिफ्ट में अगर आशीर्वाद भी मिल जाए तो पर्याप्त होता है, लेकिन गिफ्ट वो गिफ्ट ही क्या जिसमें पहले बता दिया जाए कि गिफ्ट क्या मिलेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा उम्मीद बरकरार रखिए, कुछ तो मिलेगा, लेकिन बस ये मान के चलिए कि हम उम्मीदों का जो दामन है वो थामे रखेंगे, ठीक है। तो भैया बात क्या हुई है, आइए सुनते हैं। एक टीचर को फ्रांस में मार दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि सर क्या हुआ ऐसा, कि टीचर ने क्या कर दिया भाई, और क्यों मार दिया, किसने मार दिया, चलिए बताते हैं। देखिए आपको मालूम है कि फ्रांस में एक पत्रिका हुआ करती थी चार्ली एब्दो, अगर आपको याद हो तो उसके बारे में बताइए मेरे प्यारे साथियों, है ना। हाँ ऑब्जेक्टिव होगा, डीप्स जो आज आज टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा भैया, ठीक है। अच्छा तो चार्ली एब्दो नामक एक पत्रिका हुआ करती थी, अगर कुछ याद हो आपको, पुराने कुछ दिन पहले की न्यूज में, जिसमें कि उस पत्रिका ने अपने द्वारा कुछ प्रकाशित कर दिया था, एक कंटेंट ऐसा प्रकाशित कर दिया था जिसको कि जो मतलब बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया था, जिसमें पैगंबर साहब की आपत्तिजनक फोटो दिखा दी गई थी। अगर आपको ध्यान हो तो कार्टून रूप में पैगंबर साहब को, जो कि इस्लाम के वो हैं प्रवर्तक, उनको दिखा दिया गया था। तो उसको लेकर के पूरे दुनिया में फ्रांस की इस पत्रिका चार्ली एब्दो का विरोध हुआ था। अब क्या होता है कि ये जो टीचर महोदय हैं, जिनका नाम जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि घटना क्या हुई है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, कि ये फ्रांस में कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, टीचर थे, क्लास में कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, और कंसेप्ट था इसका जिसमें ये सिखाना चाह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। क्या पढ़ा रहे थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिखा रहे थे। तो बोले सर इसका क्या मीनिंग हुआ, चलिए हम बताते हैं भाई। अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, ये क्लास में उस बात को सिखा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को सिखाते समय इन्होंने इनकी क्लास में उपस्थित मुस्लिम धर्म के अनुयायियों से कहा कि देखिए आपको बुरा लग सकता है, अगर आप चाहें तो क्लास से बाहर चले जाएं,
क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आपको बातें व्यक्त करने का अधिकार संविधान देता है, और अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप क्लास से बाहर चले जाइए, मैं कुछ बातें सिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थियों को सिखाने के पर्सपेक्टिव से चार्ली एब्दो वाली बात जो है वो दोबारा दोहराई कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ था और इसकी वजह से जो है मतलब लोगों को बोलने से मना कर दिया गया और देश में इतना बड़ा बवाल हुआ। फ्रांस के मतलब चार्ली एब्डो के जो ऑफिस था उसके ऊपर हमला हो गया था, अगर आपको याद हो। तो उन्होंने ये सारी बातें लोगों के सामने रखी। अपनी बातें रखते समय उन्होंने खुद ने भी कि भाई देखिए मैं मतलब अगर ये खुद हिस्ट्री के टीचर थे वो, तो वो इस बात को बताते हुए कहने लगे कि देखिए अगर मैं चाहूं तो मैं आपके सामने मतलब पैगंबर साहब का कार्टून दिखा सकता हूं। तो भाई उन्होंने भी जो है वो पैगंबर साहब का कुछ फनी सा कार्टून बना करके दिखा दिया। अब भाई अपनी बात को एक्सप्लेन करते समय उन्होंने पैगंबर साहब का कोई कार्टून बना दिया। अब वो कार्टून बनाने पर उस क्लास के एक स्टूडेंट के जो फादर थे वो बुरा मान गए और उन्होंने कहा कि आपने ऐसा गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए था। और वो जो है वो इस बात के लिए जो उस स्कूल का प्रशासन है उसे लड़ने पहुंच गए, यानी कि उनको फोन किया, भला बुरा कहा कि भाई ऐसा ऐसा क्यों किया आपके टीचर ने, हमको बताया जाना चाहिए। और उनके पेरेंट्स ने क्या किया कि इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया कि भाई इस स्कूल में ऐसा ऐसा होता है, हमारी धार्मिक भावनाओं का साथ खिलवाड़ किया जाता है। ठीक है साहब, तो ये घटना जो है जब ये मतलब सोशल मीडिया पर प्रकाशित हुई तो सोशल मीडिया से कोई कट्टरपंथी, जो कि मतलब मुस्लिम कट्टरपंथी था, वो मुस्लिम कट्टरपंथी उस स्कूल जाता है और उस स्कूल में जाकर के उस टीचर के बारे में टीचर के ही स्टूडेंट से पूछता है कि वो टीचर कौन सा है, कहाँ है वो टीचर बताइए। तो भाई साहब उस टीचर के बारे में पूछा जाता है कि साहब वो टीचर कहाँ है बताइए, तो टीचर के बारे में वो स्टूडेंट बता देते हैं कि साहब ये रहे वो वाले टीचर। तो उनको नहीं पता था कि ये व्यक्ति क्यों आया है। ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति था जो मारने आया था उनको, उसने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, बाकायदा साथ में गया उनके और जाकर के उनको वहीं रेत दिया, यानी कि उनका गला काट दिया। अब ये घटना बहुत दुखद है और धर्म के नाम पर ये धर्मांधता है। आपके पास कानून है, अगर आपको कानूनी रूप से चलना है तो उससे काम करिए। तो ऐसी स्थिति में पुलिस वहां पर आती है और उस व्यक्ति को इस बात का कोई गुनाह नहीं होता और वो ऐसी स्थिति में जो है पुलिस के साथ में गोलीबारी के अंदर मारा जाता है। इस बात को लेकर के लेकिन अब फ्रांस में बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हो गया है कि अगर और हाँ, जो मरा ना व्यक्ति उसके बारे में एक बात और निकल के आई। अगर आपको मालूम हो तो रूस यूएसएसआर के अंदर एक जगह हुआ करती थी चेचन्या, चेचन्या के विद्रोही भी अगर आपने सुने हो तो यूएसएसआर के अंदर काफी पहले एक जगह थी, काफी अनस्टेबल एरिया था रशिया के अंदर। चेचन्या से वो लोग जो मरा था उसका परिवार जो है वो कभी रिफ्यूजी के रूप में फ्रांस में शरण मांगने आया था। आप सोच के देखिए, चेचन्या से जो वो व्यक्ति जिसने मारा वो कभी रशिया से चल के फ्रांस में शरण लिया हुआ था। शरण से मतलब हुआ कि वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहा था, सरकार ने यानी फ्रांस सरकार ने उसे बकायदा रखा या उसके परिवार को रिफ्यूजी के रूप में मान्यता दी, उसको जो बेसिक सुविधाओं की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराई। और उस व्यक्ति ने मतलब फ्रांस में रहते हुए ही और जहाँ फ्रांस की आज मतलब फ्रांस के जहाँ पर कानून संगत जो बात थी उसको करने वाले एक व्यक्ति को गोली से मार दिया। इस बात को लेकर के फ्रांस सरकार बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि गुस्से में कहा जाए कि अब भाई इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। कुछ लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, लगभग 9 से अधिक लोग जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, किसने किया। तो ये बातें जो है मेरे प्यारे साथियों पूरे देश के अंदर एक बहुत ही बड़ी बात है। मतलब ऐसी चीजें जो है हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि कोई भी दो बातें यहां पर निकल के आती हैं। पहली बात तो ये है कि आपको जब ऐसे देश में आप रह रहे हैं जिस जहां पर कि धार्मिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब भी कुछ रखा गया है, कानूनी रूप से आपको हर किसी के धर्म का सम्मान करने की बातें हैं, तो आपको वहां पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। टीचर के पर्सपेक्टिव से भी और कानून को भी इस जगह सख्त होना चाहिए था। अपन नहीं जानते कि फ्रांस का कानून इसके बारे में क्या कहता है, लेकिन ये जो घटना है दुनिया में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी जा रही है। संभव है कि जिस प्रकार से चार्ली एब्दो वाली खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, उसी प्रकार से ये वाली खबर भी आने वाले टाइम में काफी ज्यादा डिस्कशन में रहने वाली है। तो फिलहाल हमारा काम तो आप तक ये न्यूज़ पहुंचाना था, अखबार में आई है तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए उसका अभ्यास भी कर लीजिएगा। एक न्यूज और है, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम है बोरिस जॉनसन। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, इन्हें हम ना ब्रेग्जिट के नेता के रूप में जानते हैं, है ना, लीडर ऑफ ब्रेग्जिट, यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर। आपको याद है मैंने आपको पढ़ा रखा है, कुछ दिन पहले भी यूरोपियन यूनियन पढ़ाया था, मैंने बताया था कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना जो है वो मॉस्ट्रिच की संधि से हुई थी, याद है, मॉस्ट्रिच की संधि के माध्यम से स्थापना हुई थी,
है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम में है। बेल्जियम के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है बेटा, ब्रुसेल्स, जो कि राजधानी है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स में वहां इसका हेडक्वार्टर है ना यूरोपियन यूनियन का। 27 देश इसके सदस्य हैं, इसमें से ब्रिटेन बाहर निकला हुआ है। तो बोले जब वो बाहर निकल ही गया तो आज चर्चा किस बात की कर रहे हो। हमने कहा ब्रिटेन का बाहर निकलना ब्रेग्जिट कहलाया था, लेकिन इतना आसान नहीं था ब्रेग्जिट होना, क्योंकि आप लोग यूनियन के पार्ट नहीं बचे, लेकिन बहुत सारी शर्तें अभी ऐसी थी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि यूनियन जब बनते हैं ना, असल में इन यूनियन का जो मेजर मकसद होता है वो होता है सिंगल मार्केट क्रिएट करना। कौन सा मार्केट क्रिएट करना बेटा, सिंगल मार्केट। अब ये क्या होता है, चलिए मैं आपको ये बताता हूं। देखो बेटा, अगर हम इंडिया की बात करें, आप एक बार छोटा सा इसका उदाहरण ऐसे देखिए, अपन आपके सामने चार पांच एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। तो अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है, लेट से कि आप दादरी से निकले और आप कच्छ तक जा रहे हैं, दादरी यानी JNPT से, यहाँ से निकले दादरी से, यूपी में से निकलना, नोएडा में से निकलना शुरू हुआ लेट से, और आप कच्छ बंदरगाह तक जा रहे हैं, तो आप आसानी से कच्छ बंदरगाह तक जाएंगे। रास्ते में जो टोल पड़ते हैं आपको वो पे करने पड़ेंगे, आप आसानी से आवाजाही कर सकते हैं। अब आपको लगा कि नहीं साहब, मुझे ना मतलब गुजरात के अंदर जो मोरबी नामक जगह है जहां पर टाइल्स बड़ी फेमस है, यानी कि बहुत सस्ती टाइल्स मिलती है मकान बनाने के लिए, वहां से सस्ती टाइल खरीद के लानी है। आप खरीद लाइए, आप खरीद लेकर के आप उसे आराम से उत्तर प्रदेश के किसी कॉर्नर में जाके, चाहे गोरखपुर में, मतलब एकदम पूर्वांचल में पहुंच करके वहां बेच दीजिए। आपको जो रास्ते में टैक्सेशन वगैरह करना होगा वो करते जाइएगा, आप अपना ट्रांजिट आसानी से कर सकते हैं। ऐसा ही सिंह यही पूरा जो काम है ना बेटा, ये चूंकि अपना देश एक है, ऐसी स्थिति में यहां ये शब्द उपयोग में नहीं लिया जा सकता कि ये एक सिंगल मार्केट है। लेकिन हाँ, अगर आप जरा कल्पना करें कि पूरा यूरोप ऐसा ही बन जाए, ऐसा बन जाए से मतलब हुआ कि आप फ्रांस से निकले, जर्मनी, जर्मनी से गए आप पुर्तगाल, स्पेन, ऐसे निकलते चले गए, और आपको कहीं से कुछ भी सामान खरीदा, किसी देश में निकल गए, कहीं कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, जो जो टैक्सेशन बनता है, जो टोल बनता है, बस उतना दिया आप, बिना आप उसके, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, सब चले जा रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया थी मेरे प्यारे साथियों यूरोपियन यूनियन में। तो अब इसका मतलब बहुत सारे समझौते भी हुए होंगे, जब ऑब्वियस सी बात है मॉस्ट्रिस समझौते के तहत ये लोग इकट्ठे तो हो गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे समझौते भी तो हुए होंगे ना जिन्होंने इन सबको एक किया होगा, तो उनसे बाहर निकलने की डील चल रही है। तो ब्रेग्जिट के अंदर जो सेकेंडरी डील चल रही है वर्तमान में वो क्या है कि भाई ब्रिटेन कह रहा है कि मुझे सब नियमों से बाहर कर दो, मतलब ब्रेग्जिट के जो भी बातें थी ना उन सबसे बाहर कर दो, और मुझे ऑस्ट्रेलिया स्टाइल का पैक्ट कर दो। दैट मीन्स एक जो इंडिपेंडेंट देश के साथ पैक्ट करते हो वैसा पैक्ट साइन कर लो, ऐसा बोरिस जॉनसन का कहना है, पूरी तरह हमें पृथक कर दो, कोई भी हमें सहायता नहीं चाहिए यूरोपियन यूनियन की। अब यूरोपियन यूनियन जो है मेरे प्यारे साथियों दो स्थितियों में फंसी हुई है, क्योंकि बहुत सारा कारोबार ऐसा है यूरोपियन यूनियन का जो ब्रिटेन से होता है, और उसके माध्यम से यूरोपियन यूनियन को भविष्य में नुकसान भी दिखाई दे रहा है। कि आप सोच के देखिए ना कि आपने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का मेन लीडर ही पार्टी छोड़ के जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ तो हालत खराब होंगी। लेकिन अभी भी दो बड़े देश, अभी फ्रांस और जर्मनी यूरोपियन यूनियन के हिस्से हैं, लेकिन हाँ नेगोशिएशंस का राउंड जारी है, और ये मुद्दा आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। हिमांशु सुथार कह रहे हैं, नमस्ते सर जी, सर कुछ महीने से मेरा माइंडसेट बिल्कुल नेगेटिव हो गया है, यानी सर हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं, सर कुछ सॉल्यूशन। हिमांशु बिल्कुल सॉल्यूशन है भैया इसका, बहुत ही जबरा सॉल्यूशन है हमारे पास में। नेगेटिव से निकलने का एक जो सबसे शानदार तरीका है मित्र, वो ये है कि आप रोजाना सुबह उठ करके जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में जगें और मॉर्निंग वॉक पर जाएं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएं, सुबह फ्रेश एयर लें और लंबी लंबी सांसें लें, है ना, वो जिसको योगा कहते हैं आप वो योगा करें, अगर योगा करना आता है तो ठीक है, नहीं तो लंबी लंबी सांसें लेना और छोड़ना तो कम से कम कर ही लीजिए, है ना। पहला काम तो ये करिए, और दूसरा आप जिस भी चीज़ से परेशान हैं, विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी परेशानी एक ही है और वो है टाइम टेबल का पालन ना हो पाना। एक विद्यार्थी सामान्यतया अपने आप से जो उम्मीदें रखता है उसको टाइम टेबल में वो बना के रखता है कि भाई इस साल तक अपन को नौकरी मिल जाएगी, इस साल तक शादी हो जाएगी, इस साल तक बच्चे जमा देंगे, ये सारी बातें जो है ये आप लोग अपने टाइम टेबल में रखते हैं। तो टाइम टेबल को पूरा करने के लिए अपने टाइम टेबल को थोड़ा छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और उसे पालन करने लग जाओ, ठीक है ना, कि भाई इस दिन हम ये काम करेंगे, 7 दिन में हम इतना, 15 दिन में हम इतना। दो काम कर लीजिए, एक तो फिजिकल एक्टिविटी और दूसरा
आपने जो समय निर्धारित किया है अपने साथ उसे पूरा कर लीजिए। बस इतना सा करने से आपकी नेगेटिविटी पूरी खत्म हो जाएगी, और फिर भी खत्म ना हो तो अपने घर में अपनी माता जी के पास कुछ सुकून के पल बिताइए, बैठिए उनके पास में और अपनी परेशानी उनसे साझा करिए। ये मत समझिए कि वो आपकी समस्या नहीं समझेंगी, आफ्टरऑल उन्होंने आपको पैदा किया है। अपने पिताजी के साथ भी आप बातें साझा कर सकते हैं और उनके साथ बैठिए और उनकी बातें समझिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया फेयर्स पुअरली। अब भैया बात क्या हुआ है कि हम तो गरीबी में भी टॉप कर जाएंगे लग रहा है भाई साहब। अभी है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था, इस हाईएस्ट प्रिवेंस ऑफ द वेस्ट, मतलब अभी इंडिया के हाल ये हो गए हैं भाई साहब कि अंडर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अंदर इंडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इतना खराब हो गया है कि भारत जो है वो 17.3% लास्ट वाले आंकड़े से खराब हो गई है हालत। हालत इतनी खराब है मेरे प्यारे साथियों कि 102 देशों की लिस्ट में भारत का जो रैंक आया है ना भाई साहब, वो रैंक आया है 94वें नंबर पर हम लोग पहुंचे हैं। आप सोच के देखिए इतने देशों के अंदर हमको जो रैंकिंग मिली है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में पहुंच गए हैं आप। हमारी गरीबी का आलम यह है कि हमसे ऊपर पाकिस्तान है, म्यांमार, बांग्लादेश, इनकी जो भूखमरी है वो हमसे ज्यादा सही स्थिति में है। इस तरह से सोच के देखिए 107 देशों में 94वें भी रैंक आना, यानी कि वही वाली बात है ना कि भाई साहब कि हम मेरी शहर है रैंक नंबर 2 आई, बोले कौन से एग्जाम में रैंक 2 आई, बोले जहां पर हम दो ही लोग एग्जाम में बैठे थे वहां नंबर 2 पर हम आए। तो ये वो वाली परिस्थिति है मेरे प्यारे साथियों जो यहां पर हुई है। तो ऐसी स्थिति में पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात ये है कि कुल मिलाकर के जो देश थे वो 107 थे, इंडिया ने रैंक 94 स्कोर की है और इंडिया की जो रैंक है वो तुलनात्मक रूप से अपने पड़ोसियों से भी बहुत खराब है। हमसे नीचे केवल अफगानिस्तान आता है, इसके बारे में हालांकि कल और भी फैक्चुअल डेटा आपको मॉर्निंग वाले सेशन में लिखवा दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए हाँ भाई, जिन लोगों को थोड़ा शेयर वेयर करने में दिक्कत आ रही है वो लोग शेयर करते चाहिए। हाँ, राजपूत चौहान ने भी एक सही सलाह दे दी है कि आप चाहें तो सेशन को ना, मतलब क्या बोलते हैं, मॉर्निंग वाली क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपकी नेगेटिविटी वैसे ही दूर हो जाएगी क्योंकि आप जल्दी जग ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। रोशन कुमार, हम बिहार हैं और बहुत माइंड कम नहीं करता है, माइंड काम नहीं करता है। लोड मत लीजिए भैया, माइंड काम करना जो है वो आपके हाथ में है। आप वहां से हैं जहां पर लोगों ने माइंड का उपयोग करके नहीं बल्कि हाथों का उपयोग करके पहाड़ तोड़ दिया था यार। आप थोड़ी मेहनत करिए, आप एग्जाम भी तोड़ देंगे, ठीक है ना। MSP is the key to India's food security, say PM. इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या है, पूरे देश में ना MSP के नाम पर जब विरोध प्रदर्शन हुए थे कि भाई, मतलब अभी एग्रीकल्चर बिल को लेकर के हरियाणा पंजाब के अंदर जो विरोध हुए थे और ये कहा गया था कि भारत सरकार जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कुछ भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पूर्व, मतलब जो अपना उत्तरी भारत है, इसमें किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था एग्रीकल्चर बिल को लेकर के, है ना, जिसमें सरकार ने यह कहा था कि आपको जरूरी नहीं है कि किसी एक ही मंडी में आप सामान बेचें, आप अपना सामान बेचने के लिए दूर भी जा सकते हैं, है ना। मतलब एक तरह से नेशनलाइज्ड मार्केट की बात जिसमें कही गई थी। साथ क्या है, ये जो कहानी है ना, इस शब्द को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में चलना पड़ेगा। क्या है डिटेल, मैं आपको वो समझाता हूं। पहले तो हम ये समझते हैं बेटा MSP होता क्या है और उसके बाद में कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी इससे कैसे जुड़ी हुई है। तो हमारा सवाल शुरू होगा MSP से लेकर के फूड सिक्योरिटी तक। तो ये दो बातें आपस में जुड़ी हुई कैसे हैं, आइए, तो ये कुछ नहीं बल्कि इन्होंने एक इकोनॉमिक्स की ही बात आपको समझाई है। आइए हम आपको ये वाली बात थोड़ा सा समझाते हैं। देखो बेटा क्या होता है, ऐसे समझिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मैं आपको समझाता हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जानते हो लेकिन जो नहीं जानते वो सीख लीजिएगा। देखो बेटा, आपने अपने खेत में मान लीजिए अनाज पैदा किया, आपके खेत में जब अनाज पैदा किया तो गांव के बहुत सारे लोगों ने भी उस समय ही अनाज पैदा किया, है ना। तो उस समय जिस समय एक बार में ही पैदावार निकल के आई, तो सोचिए कि एक क्विंटल यानी कि 100 kg आपने पैदा किया, 100 kg पड़ोसी ने, और पूरे गांव में लगभग एक जैसा अनाज पैदा कर लिया गया। अब जैसे ही वो सारा अनाज एक बार में पैदा हुआ और वो मंडी पहुंचा, कोई सी भी मंडी, अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि नेशनलाइज मार्केट में पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन एक बार में ही एक साथ अनाज की आवक हो गई। अगर हम लोग अगर इस बात को थोड़ा ऐसे समझें, जैसे सब्जी मंडी में कई बार आपने देखा होगा जब एक बार में बहुत सारी सब्जी आ जाती है तो बोली लग के सामान बिकता है और सबसे कम दाम पर सामान छूटता है। भाई इतने कम में अगर कोई दे रहा है तो सामान खरीद लिया जाता है। तो ऐसा तो अनाज के साथ भी संभव है कि भाई हो सकता है कि आपने अनाज 100 kg पैदा किया, आप यहां पहुंचे, आपने कहा कि मुझे 2000 रुपए में बेचना है अपना 100 kg अनाज, तो वहां पर जो बोली लगाने वाला है उसने कहा कि नहीं, मैं तो 1000 रुपए ही दूंगा,
अब आप पूछिएगा कि ये सर 1,000 रुपए देगा तो हो सकता है ना कि मेरे गांव के इतने सारे लोग यहां पर बेचने पहुंचे थे वो सब भी कहें कि नहीं ला भाई हमारा ले ले 1,000 रुपए में। तो संभव है कि इस व्यक्ति को जिसने अपना दाम 2,000 रुपए सेट किया था वो उसे नहीं मिला और इसने 1,000 रुपए में वो सामान बेच दिया। एक बार के लिए इस बात को हम समझते हैं, है ना। अब इस बात को थोड़ा और डेप्थ में लेके चलते हैं। तो जरा सोच के देखिए, जिस किसान ने अपनी दो फसलें लेता है सामान्यतया किसान, हालांकि तीन, अपने भारत में तीन फसलों की चर्चा है, खरीफ की, रबी की और जायद की, लेकिन जरा सोच के देखिए कि उस किसान के यहां पर केवल रबी की फसल के रूप में गेहूं पैदा हुआ था, वो उसे लेकर के बेचने गया था। साल भर की गाढ़ी मेहनत उसने उसमें लगाई थी, अपनी जमा पूंजी पैदा करने में लगाई थी, फर्टिलाइजर खरीदे थे, पानी खरीदा था, खुद की जड़ मेहनत लगाई थी, उसके बाद उसे 1,000 रुपए कुल मिलकर के आए। लाभ तो छोड़िए, उसने जो इन्वेस्टमेंट लगाया था वो भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी समस्या भारत में लंबे समय से चली आ रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बहुत लंबे समय पहले ही स्वामीनाथन आयोग के कहने पर एक रिकमेंडेशन को फॉलो किया और कहा कि चलिए एक काम करते हैं, अपन किसानों से कहते हैं कि आपने जो खर्चा लगाया है ना उतना तो सरकार दे ही देगी। ध्यान से सुनिएगा, जितना आपने खर्चा किया है उतना तो सरकार दे ही देगी। इसे ही कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब अगर आपका खर्चा 2,000 रुपये हुआ है तो भारत सरकार आपको इस सामान को 2,000 रुपए में तो खरीद ही लेगी, आप लोड मत लीजिए, यानी आपको नुकसान नहीं होने देंगे। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। तो एक प्रकार से ये समझिए कि भारत के किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा एमएसपी की सुविधा दी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट बनता है, तो फिर एक बात बताइए सर कि फिर किसान को लाभ क्या हुआ, जितना लगाया उतना ही दे दिया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अपने चुनावी वादे में कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करवा दी जाएगी, दोगुना किसानों की आय करवा दी जाएगी, ये प्रावधान रखा गया था। वो कैसे करोगे, जितनी लागत आई है उसके डबल प्राइस पे खरीदा जाएगा। तो स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन ये थी कि आय दोगुना हो सकती है अगर सरकार एमएसपी को डबल कर दे, यानी कि ये कह दे कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो बढ़ा करके हमने डबल कर दिया, तो स्वाभाविक है कि सरकार तो खरीद ही लेगी। अब आप में एक सवाल पैदा होगा दिमाग में कि सर एक बात बताइए, मान लीजिए कि बाजार में जो साहूकार है जो सामान को खरीदता था या गेहूं खरीदता था, उसने कह दिया कि हम नहीं खरीद रहे गेहूं, अब तुम अपने साथ इस गेहूं को ले जाओ, तुम्हें सरकार को बेचना है सरकार को बेच दो, क्या सर वाकई में ऐसा होता है क्या कि साहूकार जो है वो गेहूं ना खरीदे और सरकार गेहूं खरीद ले? बिल्कुल होता है बेटा। और कैसे होता है मैं आपको वो बताऊं, आपकी मंडी में ना एफसीआई वाले आके बैठते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाले लोग आकर के बैठते हैं और वो यहां आकर के आपका अन्न खरीदते हैं, है ना। जो एफसीआई होता है वो राज्य सरकार के माध्यम से अनाज खरीदता है, इसे हम सरकारी खरीद केंद्र कहते हैं। आपने बहुत सारे गोडाउन देखे होंगे ना, खाद एफसीआई के गोडाउन देखे होंगे, आप जब मंडी कभी गए होंगे बहुत बड़े बड़े गोदाम बने होते हैं, वहां पर एफसीआई वाले आपसे अनाज खरीद लेते हैं। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, फिर सरकार क्या करती है इस अनाज का, मान लीजिए खरीद भी लिया तो सरकार क्या करेगी? हाँ मैं बताता हूं, मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसके तहत आप लोगों को 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं, 2-3 रुपए किलो के हिसाब से चावल, 1.5 रुपए किलो के हिसाब से दाल, अलग अलग कीमतें इसकी फिक्स होती रहती हैं, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। इतने कम मूल्य पर सरकार के द्वारा गरीब लोगों को अनाज बेचा जाता है या उपलब्ध करवाया जाता है। तो अब आपके समझ में आना चाहिए कि जो फूड सिक्योरिटी के तहत अनाज उपलब्ध करवाया जाता है वो वही अनाज होता है जो सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदा गया है। किस तरीके से खरीदा गया है? एमएसपी पर सरकार के द्वारा सरकारी खरीद नीति के तहत खरीदा गया है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वाली बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी कि क्या है। तो प्रधानमंत्री ने क्या लाइन बोली है, ये कोई अलग लाइन नहीं बोली है, ये इन्होंने यही लाइन बोली है कि भाई बहुत जरूरी है हमारे लिए कि एमएसपी जो है इसी के कारण इंडिया की फूड सिक्योरिटी टिकी हुई है। भारत में ऑलरेडी 74% लोग तो जो है वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, स्टंटनिंग के, यही तो रिपोर्ट आई है, हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया है उसमें यही तो कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में बोले ये बात तो छोड़ ही दीजिए कि हम एमएसपी की बातें ना करें, और वास्तविकता भी है बिना एमएसपी के तो संभव ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। अच्छा नेसेट क्या है बेटा? नेसेट है इसराइल की संसद। हाँ भाई मुद्दा समझ में आ गया ना आप लोगों को? हाँ जी, तो ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों। अरुण कुमार, ड्यूटी नाइट में हो जाती है, वीक में डे नाइट हो जाता है, टाइम टेबल कैसे चलता हूँ भैया? ये तो बहुत दिक्कत है, आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा अरुण कुमार। हाँ जी ध्यान से सुनिए, नेसेट जो है
उसने हाल ही में इसराइल और यूएई के बीच में, आपको मालूम होगा मेरे प्यारे साथियों, इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने एक सेट मतलब दोस्ती करवाई थी। किस किस के बीच में करवाई थी? इसराइल और यूएई के बीच में दोस्ती करवाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। उसके लिए वर्तमान में केवल इतनी न्यूज है कि इसराइल की संसद, जिसे हम नेसेट के नाम से जानते हैं, उसने इस दोस्ती को परमिशन दे दी है और कहा गया है कि ठीक है, आप इसे मान लीजिए एक प्रकार से। ये यूएई वो तीसरा देश बना था, इससे पहले इजिप्ट ने, इसके बाद में जॉर्डन ने इसको मान्यता दे रखी थी, अब इसराइल है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री की, ये भी एक इंफॉर्मेटिव न्यूज है, बस इतना सा याद कर लीजिएगा। किर्गिस्तान याद है आपको, मैंने आपको बताया था किर्गिस्तान के अंदर क्या लगा था पहले, क्या कहते हैं उसको, इमरजेंसी लगाई थी वहां के राष्ट्रपति ने पद छोड़ करके। वो कहा कि भैया बात ऐसी है, खुद तो भाग लिया, जनता ने संसद पर कब्जा कर लिया था। इसराइल के राष्ट्र, वो क्या कहते हैं, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति, जिसकी राजधानी बिश्केक है, अपने कहा था ना सेंट्रल एशिया का ये कंट्री है जिसका बॉर्डर चार देशों से लगता है जिनमें से एक देश चाइना है, वहां के राष्ट्रपति महोदय जो है वो खुद फरार हो लिए थे, जनता ने जो है वो संसद पे कब्जा कर लिया था। अब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, पद से जब इस्तीफा दे दिया तो उनकी पद पर बैठने के लिए कौन मिला? तो भाई साहब यहां पर पद पर बैठने के लिए मिले हैं सादिर जारापाव, ये जो व्यक्ति है इनका नाम है सादिर जापाराव। तो बोले ये पद पर कैसे बैठ गए? हमने कहा ये प्रधानमंत्री हैं। फिर आप कहेंगे सर आपने जो कहानी सुनाई थी मॉर्निंग वाले सेशन में, उसमें तो आपने ये बताया था कि ये व्यक्ति जो है वो जनता के द्वारा बनाया गया व्यक्ति है, यानी कि ये ओरिजिनल प्रधानमंत्री तो नहीं है। हमने कहा बिल्कुल। तो भाई ऐसी स्थिति में पॉइंट ये है, जो किर्गिस्तान के हालात हैं वो ये हैं कि वहां का अगर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दे तो टेक्निकली जो पद पर बैठना चाहिए वो व्यक्ति वहां का स्पीकर होता है। स्पीकर से कहा गया कि तुम बन जाओ भैया राष्ट्रपति, उन्होंने कहा भाई हमको नहीं बनना है राष्ट्रपति, हम हमारे बस की बात नहीं है। स्पीकर भी राष्ट्रपति पद से बायकॉट कर दिए और उनके स्थान पर जो बैठे वो कौन है, प्रधानमंत्री जो है वो यहां पर वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी कार्यवाहक पद है क्योंकि जल्दी ही यहां इलेक्शन होने वाले हैं, ना तो ये प्रॉपर प्रधानमंत्री है ना कोई राष्ट्रपति है वहां पर, अब जल्दी ही चुनावों की घोषणा वहां पर हो जाएगी। तो ये एक इंफॉर्मेटिव न्यूज है जिसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। हाँ दीप्स ने सही सवाल पूछा, बाबू नव क्यों नहीं बैठे? तो भाई उनके जो लोग थे वो साथ में नहीं रहे होंगे इसलिए नहीं बैठे। थाईलैंड की कहानी मैंने आपको सुना रखी है, बस इसमें अपडेट में अभी ये और दे देता हूं। थाईलैंड का आपको मालूम है, हमने कहा था थ्री फिंगर प्रोटेस्ट पढ़ाया था आपकी क्लास में, कहा गया था कि भाई थाईलैंड के अंदर प्रयुत चान ओ चा जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई थी और वहां के लोगों ने तीन उंगलियां दिखा दिखा करके वहां के राजा को चिढ़ाया था, है ना, सरकार को चिढ़ाया था कि भाई हम अपने स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी के बारे में आज का अपडेट ये है कि अभी भी मतलब सड़कों पर हजारों विद्यार्थी उपस्थित हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई नया अपडेट आया नहीं है, लेकिन चूंकि द हिंदू में ये न्यूज आ रही है तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरे दिन लगातार भी ये लोग अभी तक विद्यमान हैं, अपने मुंह पे मास्क लगा लगा करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्यों हो रहा है सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन? तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये कहते हैं कि बैंकॉक जैसे शहर में जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें हैं वो कुछ प्रतिशत लोगों के हाथ में हैं, बाकी लोग तो यहां गरीबी रेखा के नीचे ही जी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात थी। तो आज के एडिटोरियल में क्या है? तो एडिटोरियल में आपको जो मैंने कल गुपकार वॉइस पढ़ाई थी, आपको याद, तो फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको पढ़ाया था, तो ऐसी स्थिति में उसी न्यूज के बारे में यहां पर कहा गया है कि भाई गुपकर वार्ता जो हुई थी कहां पर हुई थी, याद कर लीजिए, गुपकर डिक्लेरेशन 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के घर पर, जिस रोड पर इनका घर है वो गुपकर हाउस है, मतलब गुपकर हाउस कहलाता है, गुपकर रोड पर स्थित है फारूक अब्दुल्ला का घर, वहां पर अपोजिशन की भी जो पार्टियां थी, या फिर ये समझिए कि कश्मीर वैली की जितनी भी पार्टी है वो सब मिलकर के एक साथ निर्णय करी थी कि हमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को जाने नहीं देना है और हमें पूर्ण स्टेट हुड चाहिए। ये वार्ता इन्होंने 4 अगस्त 2019 को की थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया और देश ने उसे जो है एक यूनियन टेरिटरी बना लिया, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों यूनियन टेरिटरी से वो वापस वही अपना स्पेशल स्टेटस चाहते हैं, इसको लेकर के मैंने आपको परसों वाले न्यूज़पेपर में पढ़ाया था। आज उसी के बारे में एडिटर ने भी ये सारी बातें जो अपन ने वहां पढ़ी थी वो यहां लिखी हुई हैं। इवन एडिटर ने ये तक कहा है कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो सरकार के लिए एडिटर का कहना है कि सरकार को जो वैली की वॉइस है उसका मतलब रेस्पेक्ट करना चाहिए, वॉइस ऑफ रीजन एंड मॉडरेशन इन कश्मीर, और उसमें मध्यस्थता करके उन्हें वापस से मेन उसमें स्ट्रीम में लाना चाहिए, ऐसा कहना है किसका, आज के एडिटर का। बाकी इसके अंदर कुछ भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ऑलरेडी ना पता हो, ठीक है ना। सुमन वर्मा लिख रही हैं कि सर मेरी भी बात सुन लीजिए, सबकी प्रॉब्लम दूर करते हैं आप। हाँ बेटा बताइए, आप लिखिए, हम आपकी बात देख रहे हैं, मुझे पढ़ाना भी होता है ना सुमन बेटा, है ना। इसके बाद में आपके सामने ये पूरा डिटेल हमने आपको यहाँ दे दिया है और अब
आईएमएफ की भी बात कर ली जाए, आपको याद है परसों मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, आईएमएफ की जो रिकॉर्ड आई थी उसमें यह कहा गया था, आईएमएफ ने भी बताया था कि भाई बात ऐसी है कि दुनिया के अंदर किस प्रकार से, पहले तो आपको ध्यान होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इन्होंने जारी किया था, ये याद कर लेना बेटा, पेपर में कई बार ऐसे ही सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक जो वो है रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, और ये बहुत ही फेमस रिपोर्ट है तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसका जो टाइटल था ना इस बार का, एक ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट असेंट, ये इस बार का टाइटल था, तो ये याद कर लीजिएगा, है ना। तो आपसे पूछा गया था, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि किस प्रकार से देश की बुनियादी हालत खराब है, मैंने आपको बताया था 90% इंडिया का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशो है वो बढ़ चुका है, 20 साल बाद ऐसा हुआ है, 1991 में हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशो था, उसके बाद में 70% मेंटेन रहा, वर्तमान में जो हमारे देश के हालात हैं वो 90% तक हमारी जीडीपी का क्या है, लोन है हमारे ऊपर, ठीक है। दूसरी जो बात हमको पता चली थी वो ये थी इसी रिपोर्ट के माध्यम से कि बांग्लादेश के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय है, मैंने आपको मॉर्निंग वाले सेशन में भी समझाया है ये सवाल, बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो हमारे यहाँ पर, मतलब हमारे यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है और बांग्लादेश की ज्यादा है, इन सब बातों को लेकर के। और फिर ये भी बताया गया था कि जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है वो 4.4% के हिसाब से इस बार ग्रो, मतलब वो कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और मतलब 5.2% ड्रॉप एस्टिमेटेड था, लेकिन फिर से ये कहा जा रहा है कि दुनिया वापस से 2021 में 5.2% के हिसाब से ग्रो करेगी। तो इसके बारे में एंटिसिपेशन है कि आईएमएफ ने क्या कहा, कैसे कहा, ये सारी बातें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो एक बार के लिए इस एडिटोरियल को पढ़कर। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर फाउंडेशन बैच, चाहे वो यूपीएससी का हो या एसएससी का हो, पढ़ना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड अंकित10 लगा करके मेरी क्लास एक्सेस कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड लगाते समय ध्यान रखें अंकित और 10 में स्पेस नहीं देना है। बात की जाए अगर यूपीएससी की, तो मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है जहां पर ऑप्शनल, एथिक्स, मेंस, ये जितनी भी चीजें हैं आपको जरूरी जो चीजें हैं उनके लिए सारे टीचर्स उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, डे वन से आपको क्लास उपलब्ध होगी, सारे प्रीवियस लेक्चर आपको प्राप्त होंगे, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, इवन इंटरव्यू तक की गाइडेंस आपको इसी सेशन में प्राप्त होती है। तो देरी किस बात की, जल्दी से सेशन ज्वाइन करिए, मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपके सामने यूपीएससी में दो ऑप्शंस हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस वाले ऑप्शन की फीस 44,000 है, जो अंकित 10 लगाने पर 39,000 पड़ती है। स्पेशल क्लास देखते हैं, एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है और आपको ईएमआई भी उपलब्ध है क्रेडिट कार्ड से, तो यहां से आपको ईएमआई के ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऐसे ही एक और ऑप्शन है हमारे पास आइकॉनिक का, जिसमें आपको मेंटर प्राप्त होता है जो पूरी तैयारी में आपके साथ रहता है, पूरा मार्गदर्शन आपको देता है, इसमें भी आपको ईएमआई ऑप्शंस उपस्थित हैं। फाउंडेशन बैच मेरा जो है वो हिस्ट्री का शुरू हो चुका है, एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, बुद्धिज्म बढ़ लिया है, लगभग आधा हुआ है, उसके बाद जैनिज्म हम पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, ये भी एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ चल रहा है, इसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तरीका सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में सर्च करिए, प्ले स्टोर से उसे इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करके वहां पर गोल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर एसएससी में जाना है तो एसएससी, यूपीएससी में जाना है तो यूपीएससी, गोल सेलेक्ट करके उसे फाइनली आप एक्सेस करके पुरानी क्लासेस के साथ में पहुंचते हुए मंडे की क्लास में शुरू से शुरू ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक